मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 जुलाई को बजट पेश करना चाह रहे हैं। इसको लेकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्हें सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरसिंह घोटाले की आवाज को दबाने के लिए सरकार 3 जुलाई को ही बजट पेश कर रही है। साथ ही उमंग सिंगार ने यह भी कहा कि यह बजट 2 या 4 जुलाई को इसलिए पेश नहीं किया जा रहा क्योंकि 3 जुलाई को सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से नरसिंह घोटाले के काफी मामले सामने आए थे जिसमें सरकार की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए सरकार नरसिंह घोटाले को दबाने के लिए 3 जुलाई को बजट पेश करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को मध्य प्रदेश को चिकित्सा शिक्षा विभाग को विधायकों के सवालों के जवाब देने थे। कांग्रेस के विधायकों ने नरसिंह घोटाले को लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रश्नकाल के दौरान 3 जुलाई को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से विधायकों के सवाल के जवाब आने थे। अब सरकार 3 जुलाई को बजट पेश कर उन विधायकों के सवालों को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विधानसभा और लोकसभा को चलने नहीं देती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।